गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। वेलकम बैक इन आवर टुडेज ईवीएस क्लास। आवर टुडेज ईवीएस क्लास इज अबाउट एनिमल होम्स। अब हमने आगे भी थोड़ा इंट्रोडक्शन में देखा था कि जैसे हमको भी घर की ज़रूरत है, तो वैसे एनिमल्स को भी घर होते हैं, उनके भी अलग अलग घर होते हैं। कई एनिमल्स अपने हिसाब से घर बनाते हैं, तो कई एनिमल्स को नेचुरल घर मिलते हैं, मतलब नेचर में उनके घर होते हैं। ठीक है, तो अलग अलग एनिमल्स अलग अलग घर में रहते हैं। जैसे कि बर्ड अपना नेस्ट बनाता है, हनी बीज हाइव बनाते हैं, मंकी और स्क्विरल ट्री के ऊपर रहते हैं, रैबिट्स बरों में रहते हैं, डॉग कैनल में रहता है, हॉर्स स्टेबल में रहता है, काउ शेड में रहती है, पिग स्टाई में रहता है। हर एनिमल्स के अलग अलग घर होते। फिर वाइल्ड एनिमल्स कहाँ पर रहते, तो वो जंगल में रहते हैं। लायन डेन में रहता है, बियर केव में रहता है, स्नेक होल में रहता है, एलिफेंट फॉरेस्ट में रहता है ना। और अब हम बात करेंगे कि हमें क्या क्या एनिमल्स में से मिलता है, कौन से फूड हमें एनिमल्स में मिलते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है मिल्क। हमें मिल्क कौन देता है, तो एनिमल्स। कौन कौन से एनिमल्स मिल्क देते हैं, काउ गोट्स एंड बफेलोस। कौन कौन से एनिमल्स हमें मिल्क देते हैं, काउ गोट्स एंड बफेलोस। फिर एग्स कौन कौन देता है, हैंस एंड डक्स। एग्स कौन देता है, हैंस एंड डक्स। अब कई एनिमल्स में से फ्लैश है और मीट मिलते हैं, तो वो कौन कौन से एनिमल्स है, हैंस गॉट क्रैब्स प्रॉन्स एंड फिश। अब शीप हमें क्या देती है, वूल। लेदर कौन कौन से एनिमल्स में मिलता है, कैमल्स काउस बफेलोज एंड स्नेक। और हनी भी हमें क्या देता है, हनी एंड वैक्स। फिर डॉग्स हमारे घर को गार्ड यानी कि उसे हमारे घर की चौकीदारी करता है। सो स्टूडेंट्स, नाउ ओपन योर टेक्स्ट बुक, ऑल ऑफ यू ओपन्ड, राइट योर नेम हियर, राइट हियर टुडेज डेट। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एनिमल होम्स। Animals need homes to live in like humans. Some animals make homes for themselves. Human beings also make homes for some animals. A bird lives in a nest. Bees live in hive. Monkey and squirrel live in trees. Rabbits live in burrow. A dog lives in a kennel. A horse lives in stable. A cow lives in shed. A pig lives in sty. Wild animals have natural homes to live in. A lion lives in a den. A bear lives in a cave. A snake lives in a hole. An elephant lives in the forest. Food that we get from animals. We get milk from animals like cow, goats and buffaloes. Hens and ducks give us eggs. Animals like hens, goat, crabs, prawns and fish gives us flesh or meat. We get wool from sheep. We also get leather from the skin of dead animals like camels, cows, buffaloes and snakes. Honey gives us honey and bee wax. So students, what we have discussed in our today's class, animals home and food we get from animals. हर एक एनिमल्स के अपने अपने घर होते हैं।
जैसे कि बर्ड का नेस्ट, बीज का हाइव, मंकी और स्क्विरल ट्रीज, रैबिट बरों में, डॉग कैनल में और स्टेबल में, काउज शेड में और पिग स्टाई में। वाइल्ड एनिमल्स हैव नेचुरल होम्स टू लिव इन, जैसे कि वाइल्ड एनिमल्स फॉरेस्ट में रहते हैं, तो एनिमल कहाँ पर रहता है, लायन कहाँ पर रहता है, डेन में, बियर कहाँ पर रहता है, केव में, स्नेक कहाँ पर रहता है, होल में, और एलिफेंट फॉरेस्ट में। अब हमें कौन कौन से एनिमल्स में क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें मिलती है, तो काउ, गोट और बफेलो हमें क्या देते हैं, मिल्क। फिर हैन और डक क्या देते हैं, एग्स। फिर फ्लैश और मीट कौन देते हैं, हैंस, गोट, क्रैब, प्रॉन्स एंड फिश। फिर शीप में से क्या मिलता है, वूल। लेदर कौन कौन से एनिमल्स में से मिलता है, कैमल, काउ, बफेलो एंड स्नेक्स। हनी भी हमें क्या देते हैं, वैक्स एंड हनी। सो स्टूडेंट्स, सी ऑन पेज नंबर 17 यू हैव गिवन सम क्वेश्चन आंसर्स एंड ऑन पेज नंबर 18 यू हैव गिवन सम ब्लैंक्स दैट यू हैव टू राइट इन योर टेक्स्ट बुक। ओके, सो हियर वी एंड अप आवर टुडेज क्लास। वी विल मीट सून। टिल दैट गुड बाय एंड टेक केयर।